गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज आप अपने सामने देख रहे हो, हमारे सामने खड़ी है भाई स्विफ्ट का बेस मॉडल। और ये भाई अपना ना भाई लेकर आए हैं, और इसमें भाई उनको कराना था फुल इंटीरियर, जिसमें लाइट, सीट कवर, सब कुछ, सारी चीज़ें करानी थी। तो वो भाई हम इसके अंदर कर रहे हैं। साथ के साथ हम आ चुके हैं भाई ग्रैंड मोटर एक्सेसरीज पे, जैसा कि भाई हर बार ही आते हैं और आपको काम दिखाते हैं। और मेन इसमें दिखाता हूँ भाई अपना क्या क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई अपना जो बाहर से मॉडिफिकेशन थी बहुत कम थी, मेन अंदर से इसको ज़्यादा अच्छी करनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हो तो ये अपने इसके भाई पिलर वगैरह रैप हो रहे हैं, सीट कवर वगैरह इसके अंदर हम चढ़ा चुके हैं। भाई वीडियो थोड़ी लेट शुरू हो रही है क्योंकि भाई मैंने सोचा आपको दिखा भी देता हूँ साथ के साथ कि भाई काम वगैरह अगर कराते हो तो कैसा कुछ होता है। तो यहाँ पर अपना देख रहे हो तो ये अपने भाई पिलर वगैरह रैप हो रहे, ऐसा कुछ भाई अपना पिलर होता है पहले, और इस पर भाई बोस्टिक चढ़ाई जाती है। उसके बाद ये देख रहे हो, ये भाई पिलर करने के बाद फिनिशिंग आती है, एक बार फिटिंग वगैरह हो लें दो फिर उसके बाद आप देखना। तो अभी भाई ये काम चल रहा है इन पर। साथ के साथ दिखाऊँ तो छत हमने खोल के पूरी छत रैप कर दी है। ये भाई आप देख रहे हो ना, गाड़ी की रूफ़ है ये, तो ये रूफ़ को हमने करा है बर्फी डिज़ाइन में और पूरा वेलवेट में। गाड़ी एक बार खोलें दो कंप्लीट, उसके बाद भी आप देखना। तो ये गाड़ी भाई गाड़ी लगभग ये जो है ना पूरा काम ये हो रहा है। अंदर गाड़ी की कंडीशन दिखाऊँ आपको, एम्बिएंट लाइट वगैरह भी इसके अंदर लगाई है, स्टेयरिंग वगैरह चेंज करा है। ये देखो भाई, ये अपना बेस मॉडल का गत्ता आता है, तो इसमें ना यहाँ पे पैनल में जगह फंसाने की जगह नहीं आती, तो इसमें भाई एम्बिएंट लाइट लगा, तो इसमें एम्बिएंट लाइट वगैरह वो उसके अंदर लग रही है। एक बार चालू करके दिखाऊंगा गाड़ी आपको कि भाई कैसी कुछ अपनी ये लग रही है। साथ के साथ इसमें भाई पूरी वायरिंग वगैरह करी है, बेस ट्यूब वगैरह इसके अंदर डाली है। अभी भाई ये सारे ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी खुल रखे हैं, ऊपर की लाइट्स वगैरह भी खुल रखी है। तो एक भाई जो अपनी एम्बिएंट लाइट है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है। साथ के साथ जो यहाँ पर देखोगे तो भाई अभी चालू होते हुए देखना भाई कैसी कुछ लग रही है, भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई पीछे भी लगाइए, 10 पीस वाली लगाइए प्रॉपर, ठीक है। आप ये भी देख लो, तो 4 पीस इसमें दरवाजे में लगे हैं, 2 पीस डैशबोर्ड में, बाकी नीचे भी लगाया है, ठीक है। ये भी चीज़ देख लो, तो प्रॉपर लाइटनिंग करिए। साथ के साथ सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए। भाई फिनिशिंग देखो कैसी कुछ आई है। साथ के साथ यहाँ से भी आप देख सकते हो भाई लुक वगैरह देखो, सेम सीट कवर भाई हमने इस गाड़ी के अंदर चढ़ाए हैं। यहाँ से देखो सेम सीट कवर इस गाड़ी के अंदर भी चढ़े, ठीक है। अभी इसमें भाई लगभग काम चल रहा है। और दोनों भाई ये अपना नया वाला मॉडल स्विफ्ट है, ये पुराने वाला मॉडल स्विफ्ट है, तो इसके अंदर भाई वो भी लगाए। साथ के साथ अपना हमने इसके अंदर BMW वाला आर्मरेस्ट भी लगाया है, ये चीज़ देख लो। इसके अंदर भाई चार्जिंग पोर्ट भी आते हैं, यहाँ पे आप दिखाऊंगा, ये भाई चार्जिंग पोर्ट भी आती है। साथ के साथ इसमें ग्लास होल्डर भी आता है, भाई यहाँ से आपको दिखाता हूँ पूरा ग्लास होल्डर भी होता है, आगे पीछे भी भाई कर सकते हो, साथ के साथ इसको बंद भी कर सकते हो। और सीट कवर वगैरह देखो भाई, लुक वगैरह चेकआउट करो कैसी कुछ सीट कवर की लुक निकल कर आई है। बाकी इसके अंदर बेस मॉडल का स्टेयरिंग था, जैसा कि भाई आप ना यहाँ से देख सकते हो, पावर विंडो भी नहीं है। तो इसके अंदर टॉप मॉडल का स्टेयरिंग इंस्टॉल करा है, प्रॉपर वाला देख लो, ठीक है। तो ये भाई अपना चालू बंद यहाँ से हो सकता है। क्रूज़ कंट्रोल के जो बटन होते हैं वो इसमें काम नहीं करते, क्योंकि भाई मारुति के ECM लॉक आते हैं आगे से, पर भाई आजकल स्टेयरिंग यही वाला चल रहा है। तो टॉप मॉडल सा फील दे, तो ये वाला हमने इसके अंदर डी कट वाला प्रॉपर स्टेयरिंग लगा दिया। अब भाई किसी को ना किसी को जैसे अगर ये भाई ये सॉरी थोड़ा ये गिर गया था, अगर जैसे इसमें क्या है ना कि अगर किसी को लेदर रैप वाला चाहिए वो लग जाता है, ये भाई किसी को वैगनर में लगवाना हो तो ये वाला भाई स्टेयरिंग हम उसमें भी लगाते हैं। बाकी छत की कंडीशन देखो भाई, पूरी छत इसके अंदर गाड़ी के अंदर खोल रखी है और काम चल रहा है, सारे पिलर वगैरह खोल रखे हैं भाई, पूरी रॉ कंडीशन में भी गाड़ी है। सीट कवर वगैरह फिक्स हो चुके हैं, मैट्स भी आके पुराने थे, आर्मरेस्ट वगैरह इसके अंदर लगा दिया। साथ के साथ पीछे वायरिंग वगैरह डाल दी, बेस ट्यूब दिखाता हूँ, पीछे निकल के दिखाता हूँ। मैंने ना भैया को सॉफ्ट बेस चाहिए थी, तो सॉफ्ट बेस भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया भाई। ये अपना बेस ट्यूब का कुछ डब्बा है, साथ के साथ यहाँ पर देख लो 7200 वॉट की जैगवार की हमने इसके अंदर वूफर इंस्टॉल कर दिया। और भाई ये एम्पलीफायर इनबिल्ट आता है इसके अंदर, यहाँ से आप देख सकते हो 10 इंची वूफर होता है, ये एम्पलीफायर इनबिल्ट आता है। बाकी पूरी वायरिंग वगैरह करी है RC लीड वगैरह के साथ, और पूरी सारी फिटिंग वगैरह जेन्युइन तरीके से इसके अंदर कर दिया। तो एक बार भाई हो लें दो, फिर उसके बाद आपको भाई फिटिंग वगैरह दिखाता हूँ प्रॉपर कैसी कुछ गाड़ी तैयार हुई है। एक बार सारा कुछ छत पे भी लग जान दो, फिर उसके बाद आप गाड़ी की कंडीशन देखना कैसी कुछ निकल कर आएगी, ठीक है। बाकी साथ के साथ इसमें सेंटर लॉकिंग वगैरह होगी अपनी, तो ये भाई किसी को भी लगवानी हो ग्रैंड मोटर एक्सेसरीज पे आ सकते हो, काम भी करा सकते हो। और अभी पूरा हो लें दो, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। बाकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करके भी आप कोई भी प्राइस वगैरह लेना। तो देखोगे इसमें जो काम था पूरा लगभग हो चुका है, मेन जो एम्बिएंट लाइट वगैरह लगनी थी वो हमने इसके अंदर लगा दी, जो प्रॉपर 6-10 पीस के आते हैं ना वो वाली इसके अंदर लगाइए। यहाँ पर देख लो भाई ये 10 पीस है, 4 आपके नीचे होते हैं, ठीक है, और 4 आपके ऊपर होते हैं। साथ के साथ ये चीज़ देखोगे, यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ
पर देखोगे जो भी कलर्स वगैरह चेंज होने थे वो सारे भाई अपना प्रॉपरली वर्किंग होता है। बाकी यहाँ पर एक स्विच भी लगाते हैं, ये जैसे देख रहे हो ना, तो यहाँ से दबा के ये चेंज भी कर सकते हो, बाकी ऐप से भी आप चेंज कर सकते हो। रूफ इसके अंदर रैप करिए पूरी ब्लैक में, ये चीज़ देख लो, तो भाई अंधेरा हो गया आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी रूफ रैप करिए इसके अंदर भाई, पीछे तक देख लो, साथ के साथ इधर दिखाऊँ तो ये पिलर भी रैप करें, ये भी ब्लैक करा है, तो पूरा ब्लैक का इंटीरियर भाई अब आपको लग रहा होगा ना पूरा। ये देखो सीट कवर वगैरह से लेके, चाहे सीट कवर भी दिखाऊँ आपको, तो ये बकेट फिट में हमने सीट कवर इंस्टॉल करे हैं प्रॉपर भाई, यहाँ पे कुशनिंग वगैरह के साथ, तो थोड़ी फोमिंग यहाँ पर लगा दी है। अब भाई बिया की डिमांड थी कि यहाँ पे भी फोमिंग लगा दो, पर ये भाई इकट्ठी होकर ना बैठ जाती है, तो इसलिए हमने नीचे नीचे लगा दिया। और फिटिंग वगैरह आप देख सकते हो प्रॉपर जेन्युइन। बाकी BMW वाला आर्मरेस्ट मैंने आपको दिखा दिया, और ऊपर भाई छत रैप भी देख लो, ठीक है तरीके में, और रूफ रैप जो पिलर रैप वगैरह हो गए ये भी आप फिनिशिंग वगैरह देख सकते हो। बाकी पीछे वाले की दिखाऊँ तो पीछे वाले से आपको पता चलेगी यहाँ से ये चीज़ देख लो। तो इसमें भाई कलर आप चाहो तो कोई और भी करा सकते हो, जैसे भाई एक और दिखाई थी मैंने आपको स्विफ्ट, उसमें चेरी कलर का करा था, और साथ के साथ पीछे भी देख लो, ठीक है तो ये भी आप लुक वगैरह देख सकते हो। बाकी पीछे भी आपको दिखाऊं तो पीछे भी हमने इसके अंदर पूरी सीट्स और वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी, और साथ के साथ एम्बिएंट लाइट वगैरह भी देख लो, ये पूरी तरीके में फिटिंग हो गई। बाकी स्टीयरिंग वगैरह मैंने आपको बताया था कि स्टीयरिंग वगैरह भी इसके अंदर चेंज कर दिया, और ले चलूँ पीछे तो पीछे भी इसके अंदर बेस ट्यूब वगैरह लगा दिया। एक बार बेस ट्यूब वगैरह खोल के आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ से अपना ये बूट खोल के ना फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें अपना जो ऊपर वगैरह है वो प्रॉपर तरीके में लगा दी यहाँ पे। और भाई सॉफ्ट बेस जिसको चाहिए ना उसके लिए भाई इनबिल्ट एम्पलीफायर वाला होता है। बाकी एक ऑप्शन ये भी होता है अंडर सीट ऊपर भी लगा सकते हो, पर उसमें भाई आवाज़ आपकी उतनी अच्छी नहीं आ पाती, पर इसमें भाई बेस्ट तरीके की आवाज़ आती है, और सॉफ्ट बेस भी, बढ़िया बेस भी, और बढ़िया फिटिंग के साथ प्रॉपर सारी चीज़ें इसमें हमने इंस्टॉल वगैरह कर दिया। तो किसी भाई पे भी शिफ्ट हो, कोई सी भी गाड़ी हो, बिल्कुल आप भाई लेकर आ सकते हो, और काम कोई सा भी हो, चाहे बॉडी किट हो, चाहे फॉग लैंप हो, चाहे हेडलाइट्स हो, सारा कुछ आप भाई चेंज वगैरह करा सकते हो। बाकी शिफ्ट की सीट कवर वगैरह इंटीरियर वगैरह मैंने आपको एक टॉप मॉडल आई थी अपने पास वो भी दिखा दिया था, साथ के साथ ये भी दिखा दिया। भाई चैनल पे वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें ही जाके देख सकते हो, इंटीरियर वगैरह सारा कुछ अपना गाड़ी का आप लगभग करा सकते हो। तो भाई यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक और स्विफ्ट खड़ी है, और इस स्विफ्ट के अंदर भाई डैम्पिंग वगैरह से लेके साउंड सिस्टम वगैरह का सारा कुछ काम करेंगे, और मेन एम्बियंस लाइट वगैरह होगी, साथ के साथ बात करोगे आपके चारों डोर्स में लाइट्स होगी, आगे फ्रंट में हेडलाइट्स में LEDs हो गई, रूट्स हो गए, प्रोजेक्टर हो गए, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ हम इसके अंदर लगभग करेंगे, तो आपको साथ के साथ वीडियो में बने रहो। तो मैंने सोचा कि भाई जब आपका एक शिफ्ट तैयार कर ही रहे हैं साथ के साथ दूसरी शिफ्ट भी दिखा दें आपको, तो उसी में ही देख लो अपना ये क्या क्या इसके अंदर काम हो रहा है लगभग। तो मेन दिखाता हूँ भाई, सबसे पहले अपने डोर्स पैनल खुल रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर भाई सिस्टम भी अपग्रेड करेंगे, जो कि पूरा साउंड सिस्टम है वो पूरा अपग्रेड होगा, और सीट कवर वगैरह भी लगाएंगे, अभी गाड़ी भाई प्रॉपर नहीं है। इसके अंदर डी बेस की 9 इंचेस की हमने इसके अंदर स्क्रीन लगाई है, प्रॉपर मूविंग कैमरा लगाया है इसके अंदर, और साथ के साथ डोर्स अपने देख लो डैम्पिंग करेंगे डोर्स के अंदर। और दिखाऊं तो मेन पीछे जो एम्बिएंट लाइट वगैरह होती है वो सारी चीज़ें लगाएंगे, स्पॉइलर वगैरह हो गया, ठीक है, तो LED लाइट्स वगैरह होगी। बाकी गत्तों में देख लो अपनी जो एम्बिएंट लाइट्स वगैरह लगी है, तो ये भाई पीछे वाली पेस्टिंग होती है स्विफ्ट में, ये दिक्कत सबसे बड़ी है कि पीछे वाली अपनी पेस्टिंग होती है, और आगे वाले की बात करोगे तो आगे वाली प्रॉपर पैनल में टक इन हो जाती है। आगे वाले में क्या दिक्कत है कि स्पेसेस होती है, पीछे वाले में दिक्कत ये रहती है कि अपना पेस्टिंग होती है। और मेन भाई जो अपना गाड़ी की लुक बात करोगे ना, रात में एक नंबर हो जाती है भाई चलाने वाइज भी, और प्रॉपर इंटीरियर वगैरह भी देख लो यहाँ पर, चाहे साथ के साथ स्क्रीन दिखाऊँ तो इसमें भाई स्टार्टिंग अपने पास 9 इंचेस से स्क्रीन हो जाती है, 7 इंचेस भी आती है, पर आजकल भाई थोड़ा 9 इंचेस ट्रेंडिंग में है, तो ये चीज़ देख लो। और डी बेस की 232 प्रॉपर स्क्रीन है विथ एप्पल कारप्ले, और भाई बेस्ट स्क्रीन है ये, बजट में अच्छे बजट में अच्छी चीज़ है, सबसे बेस्ट भाई, मैं खुद अपनी गाड़ी में यूज़ कर रहा हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली इसमें बात आती नहीं। बाकी मूविंग कैमरा इसमें विथ मूविंग लाइन वाली है, ठीक है, जिस साइड आप हैंडल घुमाओगे उस साइड अपना स्टेयरिंग घूम जाएगा आपका, और लाइंस भी घूम जाएंगी। और मेन भाई अभी एम्बिएंट लाइट वगैरह की फिटिंग हो लें दो, फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि कैसे कुछ इसके अंदर फिटिंग लगभग हो रही है और कैसा कुछ इसके अंदर आ रहा है। बाकी ये भाई अपने अडेप्टर्स आते हैं, जो अपनी एम्बिएंट लाइट होती है उसके अडेप्टर होते हैं ये, और फिटिंग वगैरह होने के बाद ये सारा भाई अंदर ही हो जाता है, कोई भी सिस्टम आपको बाहर नहीं दिखेगा। अभी एक बार पैक हो लें दो, रॉ कंडीशन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई बहुत लोग सोचते हैं वायर कटिंग होती है कि नहीं होती, तो वायर कटिंग वगैरह भाई कोई नहीं होती, ठीक है। कैमरा वगैरह देख लो प्रॉपर फिक्स कर दिया, कहीं से पता चल रहा हुआ। अब इसमें ऑप्शन अपने पास ये भी होता है नंबर प्लेट वाला भी लगवा सकते हो, पर भाई इसमें नंबर प्लेट वाला नहीं लगवाया,
इस शिफ्ट की वीडियो अपनी साउंड सिस्टम की हमारी एक और अलग आएगी, जिसमें हम एलईडी लाइट्स वगैरह होगी वो सब चीज़ें दिखाएंगे। अभी इसमें भाई मैं इसलिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई पुरानी वाली शिफ्ट में भी अपना एमिन लाइट वगैरह थी, साथ के साथ इसमें भी, और एमिन लाइट फिक्स होने के बाद देख लो अपना पूरा सारा कुछ कैसा कुछ रिस्पॉन्स है अपना गाड़ी का, और मेन चला वगैरह के दिखाऊंगा। तो ये भाई देखो, ये K4 है 6 पीस वाली, इसमें हम चाहो तो आप K3 10 पीस वाली लगवा लो, 14 पीस लगवा लो, 18 पीस लगवा लो, पर ये 6 पीस वाली है। 2 डैशबोर्ड में हमारे पीसेज रहते हैं, 4 हमारे डोर में रहते हैं 4 पीसेज, और ये चीज़ देख लो। तो इसमें भाई मोड्स वगैरह प्रॉपर चेंजेस होते हैं, ठीक है। और नीचे बात करोगे तो नीचे इसमें हमने एटमोसफेयर लाइट जो है वो अलग से लगाई है, क्योंकि भाई कस्टमर की डिमांड थी कि अगर हमें एटमॉस्फेयर लाइट बंद भी करनी पड़े तो वो भी हम कर सकें, तो इसलिए हमने वो चीज़ अलग लगाई है। एक्सप्लोड की अपनी एम्बिएंट लाइट है, इसमें कार्डी वगैरह सारे ब्रांड मिल जाते हैं, पर भाई इसकी 1 ईयर वारंटी आती है। साथ के साथ इसमें हमने 38 वॉट का चार्जर भी दिया है, और बात करोगे इसकी चार्जर की तो बेस्ट चार्जर है, सी टाइप वाला पोर्ट साथ के साथ आ जाता है। डी बेस की हमने इसके अंदर स्क्रीन आपको मैंने दिखा दी, ठीक है। 232 विथ एप्पल कारप्ले हमने इसके अंदर डी बेस की स्क्रीन लगाई है। अब भाई प्राइजेज वगैरह की बात करोगे तो प्राइजेज वगैरह भाई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, चाहे आपकी गाड़ी कौन सी है उस हिसाब से आप मुझे भाई कॉल करके रेट वगैरह भी ले सकते हो। कोई सा भी सामान चाहिए भाई अपने पास सारा सामान अवेलेबल है, यहीं पर नहीं भाई अपना पीछे गोडाउन में भी अपना सारा सामान पड़ा है। अभी भाई यहाँ पर डिस्प्ले में थोड़ा सामान रख रखा है, बाकी ले चलूँ गाड़ी के पास, गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है तो वो भी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ, क्या क्या लगभग चीज़ें हो रही हैं। तो गाड़ी में भाई अभी रात के होने के बाद देखो भाई रिस्पॉन्स वगैरह कैसा कुछ है, एम्बिएंट लाइट वगैरह का आ रहा है, साथ के साथ स्क्रीन वगैरह का आ रहा है, कैसा कुछ आपको लग रही है। तो भाई रात में चलते टाइम भाई ये लाइट्स एक नंबर लगती है भाई, प्यारी इतनी, ठीक है। और साथ के साथ मोबाइल से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो भाई, ये चीज़ देख लो, बंद करना चाहो बंद कर लो, ब्राइटनेस तेज करना चाहो कम करना चाहो वो भी साथ के साथ चीज़ें हो जाती हैं, और भाई चलाने वाइज प्रीमियम लुक सी आ जाती है। और बेस्ट तरीके की लाइट्स हैं, 1 ईयर वारंटी के साथ 6 पीसेज हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है, ठीक है। तो प्राइसिंग वगैरह लेनी है आपको, चाहे आप आ नहीं सकते और भाई अनदर स्टेट में मंगाना तो वो कुरियर भी हो जाता है, तो वो भी आप कॉल करके बिल्कुल आ सकते हो। और भाई बिना वायर कटिंग होके लगती है, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई वायर कटिंग होके लगती है, तो भाई बिना वायर कटिंग प्रॉपर कपलर टू कपलर इसकी भाई गारंटी हम लेते हैं कि कहीं से वायर कटिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें भाई एंड्रॉयड में आप 9 इंचेस में यूट्यूब चला सकते हो, क्रोम चला सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस चला सकते हो, मैप्स चला सकते हो, GPS के साथ ही आता है, ठीक है। और आवाज़ वगैरह भाई काफ़ी बेहतर है, इसका आउटपुट वगैरह की बात करोगे ना तो DSP इसके अंदर आता है, और बढ़िया तरीके से आप चला सकते हो। अब भाई कैमरा वगैरह रात में भी देख लो, नाइट विजन में कैसा कुछ कैमरा है, और बेस्ट तरीके का कैमरा है ये अपना, ठीक है। रात में भाई क्लैरिटी से आपको पता चलेगा। अब जैसे भाई मैं स्टेयरिंग घुमाऊँगा तो साथ के साथ ये भी घूमता है आपका, और वीडियोस वगैरह जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियोस वगैरह आप इसके अंदर चला ही सकते हो, और बढ़िया भाई रिस्पॉन्स वगैरह रात में अगर गाने सुनने हैं चाहे कुछ भी देखना है आपको तो वो भी आप इसमें आप चला सकते हो। और साउंड सिस्टम वगैरह की जो भी वीडियोस है वो मैं आपको अलग वीडियो डाल दूँगा, बाकी पूरा